राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं में आई काफी कमी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार से खुश दिखी महिलाएं। गलवान घाटी में चीन के छक्के छुड़ाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मिला महावीर चक्र, जाबाजों के शौर्य का हुआ सम्मान। पेटीएम के शेयर्स में गिरावट पर लगा ब्रेक, 6% बढ़कर 1447 रुपए हुआ दाम। मध्य प्रदेश में शिवराज ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील पर करने का प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश। अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, आज हो सकती है सीटों के बंटवारे की घोषणा। जेवर में 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे योगी। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान गेट फांद कर कुलपति सचिवालय परिसर में घुसे छात्र, जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक आज, खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। देवरिया में जमीन को लेकर दो पक्षों में चली गोली, दो सगे भाइयों की मौत, वहीं 7 लोग हुए घायल। दिल्ली में तेज हवा चलने से प्रदूषण में आई कमी, 374 से घटकर 300 पहुंचा AQI। बुल्गारिया में चलती बस में लगी भीषण आग, 40 से ज्यादा यात्रियों की हुई मौत। यूरोप बना कोविड संक्रमण का नया केंद्र, ऑस्ट्रिया में 20 दिन का लगाया गया लॉकडाउन। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व सहयोगी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दी गवाही। केरल संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में PFI का पदाधिकारी हुआ गिरफ्तार। चीन को खतरनाक प्रतिस्पर्धी मानता है बाइडेन प्रशासन, दोनों देशों के बीच तनाव घटने के आसार कम। नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस में लगे कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। भारत के दौरे पर मालदीव की रक्षा मंत्री, भारतीय नौसेना की पासिंग परेड समीक्षा करने वाली पहली विदेश रक्षा मंत्री मारिया दीदी। राष्ट्रपति ने गलवान घाटी के वीरों का किया सम्मान, शहीद कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र से हुए सम्मानित। आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के CM से की बातचीत। देश भर में घरेलू कामगारों का सर्वे शुरू, पहुंचाया जा सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। कीर्ति आजाद समेत कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर भी आज थामेंगे TMC का दामन, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मनीष तिवारी ने अपनी किताब से बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, मनमोहन सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। विधानसभा से पहले ही विपक्षी एकता में दरार, TMC कांग्रेस में लगे किसानों की जीत का श्रेय लेने की होड़। मिर्जापुर में दिसंबर से शुरू होगा विंध्य कॉरिडोर का निर्माण, 331 करोड़ रुपए की लागत से होगा काम। 5 साल में देश में हो जाएंगे 220 एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक 136 पहुंची संख्या।